बढ़ते हुए क्राइम के बीच आज सुरक्षित है नारी, चाहे उत्तर प्रदेश हो और या मध्य प्रदेश। लेकिन दावा तो रामराज का किया था, तो क्या यही है वो रामराज? उत्तर प्रदेश में रामराज का वादा, लेकिन जिस तरह का रामराज आया है शायद राम भगवान की भी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि फतेहपुर से ये जो मामला सामने आया, इसके बाद लोगों ने हंगामा किया है। हाथरस के बाद फतेहपुर एक के बाद एक जगह बढ़ती जा रही है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मलवा थाने क्षेत्र के एक निजी स्कूल की टीचर की हत्या की गई है, गला दबाकर मारा है अपराधियों ने उसे और उसके पहले दुष्कर्म किया है। तो देर रात जब पुलिस वहां पहुंची और जांच के नाम पर एक युवक को हालांकि हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन अपराधी हैं, उन्हें किसी का डर ही नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक अपराधी घटनाएं सामने आ रही है, लग रहा है कि कानून सरकार किसी का भय नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, और एक के बाद एक घटनाएं ऐसी सामने आ रही जो कि दिल दहला रही है। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उसने लोगों को शव ले जाने से रोका, इसके बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया है। गांव वालों का उत्तर प्रदेश में लोगों का उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से लग रहा है कोई भरोसा नहीं रहा है। जांच में कुछ भी आ सकता है, इस तरह की अजीबोगरीब जांच सामने आ जाती है जो कि सोचकर भी लगता है कि कुछ व्यवस्था जैसी चीज बची है कि नहीं, क्योंकि हाथरस में कहा जा रहा है सोची समझी साजिश थी। तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ये कब और कहां काम करती हैं, कब काम करती हैं, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद सिर्फ खुलासे के लिए बनाई गई है क्या ये एजेंसियां, ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल है।